मुझे 15 मास हो गए हैं। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते हुए और लगभग 250 गांवों को सैनिटाइज कर चुका हूं। लेकिन कोविड की दूसरी लहर का खतरनाक मंजर जो आज मैंने देखा वह अकल्पनीय है। यह बात कोरोना योद्धा रविंदर सिंह डोगरा ने बमसन क्षेत्र में कोरोना से हुई 26 वर्षीय युवा की अकस्मात मृत्यु पर दुख प्रकट करते हुए कही। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ डोगरा दिवंगत युवा लड़के का दाह संस्कार करने के लिए बाकर खड़के खुरे शमशान घाट पहुंचे और परिवार के 4 व्यक्तियों को साथ लेकर तय मानकों पीपीई किट पहनकर डोगरा ने अन्य परिजनों के साथ क्रियाकर्म संपन्न करवाया, क्योंकि दिवंगत युवा उनका मित्र भी था। डोगरा ने बताया कि यह बहुत ही भयभय है कि 3 दिन पहले जो युवा एकदम ठीक था तथा होम आइसोलेशन में रहता था, अचानक उसकी बीरबार रात तबीयत बिगड़ती है और सुबह तक वह चल बसता है। इसका मतलब साफ है कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक है। डोगरा जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया है कि जिलाधीश और एसडीएम इस महामारी से निपटने के लिए सक्षम नहीं है। इसके लिए वह पहले ही जयराम ठाकुर को पत्र लिख चुके हैं। आज हमारे बमसन में एक युवा व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पे आई जरूर है, लेकिन उनके पास भी इतने ज़्यादा साधन सरकार के द्वारा मुहैया नहीं कराए जाते हैं कि वो खुद सारा फ्यूनरल का काम कर सकें, इसलिए समाज के लोगों को आना पड़ता है। आगे हमारा सरकार से सिर्फ इतना कहना है कि आइसोलेशन का जो काम है वो घरों में ना हो करके अस्पतालों में या कहीं कोविड केयर सेंटरों में होना चाहिए, क्योंकि घरों में उतनी जो है लोगों की सुविधाजनक चीज़ें नहीं हैं और आसपास के लोग भी संक्रमित हो जाते हैं। तो मेरी डोगरा ने सरकार से अपील की है कि तुरंत ही संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए, वरना जैसे कि वह कहते आए हैं कि लाशें उठाने वाला भी कोई ना होगा, कहीं वही दौर हिमाचल में ना आ जाए। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर डोगरा ने सवाल उठाया है कि पीड़ित व्यक्तियों को कोविड केयर की जगह होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है, जिस कारण मरीज जिसे घातक बीमारी का पता नहीं होता वह इसका बिना इलाज के शिकार हो जाता है और जाते जाते अन्य लोगों को भी संक्रमित कर जाता है। इतना ही नहीं, कोरोना से मरने वालों को एम्बुलेंस सेवा नहीं मिल रही, जिस वजह से उनके शवों को कारों इत्यादि में रखकर लोग ले जाते हैं और संक्रमण फैलता जाता है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी अपनी देखरेख में ही दाह संस्कार करवा रहे हैं, लेकिन वह इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है और ना ही बहुत सुविधा उनके पास होती है, जिस कारण हमारे जैसे सामाजिक लोगों को आगे आना पड़ता है। पर हम भी कितनी जगह जा सकते हैं यह सोचना होगा सरकार को। मेरी जिला प्रशासन हमीरपुर से, खास तौर से डीसी महोदया और राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से ये अपील है कि होम आइसोलेशन का जो प्रचलन है उसको बंद कर दिया जाए, बजाय इसके कि जिला मुख्यालयों के अंदर छोटी छोटी बिल्डिंगों में होम आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएं। कारण क्या है कि घरों के अंदर जो है बहुत ही संक्रमण फैलने का खतरा रहता है, जिस कारण क्या है कि आसपास के और लोगों को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है और प्रशासन के पास में हॉस्पिटल से लाने ले जाने के लिए भी ऐसे मरीजों को मृत्यु के पश्चात कोई सुविधा नहीं है, जिससे उनको लाने ले जाने वालों में भी कोरोना का खतरा होता है। तो मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि लॉकडाउन पूर्णतः लगाया जाए और होम आइसोलेशन की जगह कोविड केयर सेंटरों में आइसोलेट किया जाए लोगों को। चलो बोलो। आज हम जिस युवा साथी की चिता को अग्नि देके आ रहे हैं, उससे ये एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि गांवों में कोरोना पहुंच चुका है। और दूसरा, मेरी लोगों से ये अपील है कि होम आइसोलेशन की पालना जो आपने करनी है वो निश्चित मानकों के साथ में करनी है, अन्यथा जैसे हमारा युवा साथी सिर्फ 3 दिन में हमें छोड़ के चला गया है, आप लोगों के साथ ऐसा घटित हो सकता है यदि आप लोगों ने अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा तो।